प्लीज वेलकम मिस्टर कृष्णमाचारी श्रीकांत और मिस्टर अजय जडेजा। आइए जोरदार तालियां मिस्टर श्रीकांत और मिस्टर अजय जडेजा के लिए। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में। आज सिद्धू भाजी बड़े खुश थे, कहते आज मेरे दोस्त आ रहे हैं श्रीकांत जी और मिस्टर अजय जडेजा। मैदान जंग में जो जाते थे अक्सर तूफान बनकर। ये क्या रहे आज तुम आ रहे क्या सिंहासन पे बैठ रहे क्या आपको क्या बोलते हैं आज तूफान की फान क्या बैठ रहे हो राजा। आपको बोल रहे आपको क्या बोला बोलते सिंहासन पे बैठे आप। मैदान जंग में जो जाते थे अक्सर तूफान बनकर आज शरीफों की तरह खड़े हैं सामने मेहमान बनकर। अरे वाह भारत के आपकी तारीफ की है भारत के शुक्रिया। क्रिकेट के आसमान के चमकते हुए सितारे हैं श्रीकांत और जडेजा जिन्होंने सदा तिरंगे का नाम रोशन किया है हिंदुस्तान पर। अरे वाह पहले इसका पैंट निकालना चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ डियर व्यूअर्स आई टेल यू वन थिंग हिंदी हिंदी जडेजा ये इतना बात कर रहे इधर कभी टीम मीटिंग में एक वर्ड बोला तू बोला। इतना इतना शेर वेर बोलता है सिद्धू इसम बुद्धू इसम सब बोलता है ना कभी कभी टीम मीटिंग में एक बार एक सजेशन दिया जडेजा जाके ये कह लो चिका भाई तो ये करो कपिल पाजी ये करो कुछ कभी बस सच्ची बोलो ना जो ऑन योर डॉटर्स मतलब आपने सोचा मैं झूठ बोलूंगा। चलो फिर कोई एक बार बोला क्या बोला नहीं एक बार याद है जो मुझे बोला क्या बोला 1996 नहीं नहीं 1996 में हम श्रीलंका से हार गया वो मैच आपको याद होगा आप भी कमेंट्री कर रहा था। श्रीलंका बहुत मार रहा था सारी टीम एक तरफ थी कि नहीं नहीं हमको बैटिंग फर्स्ट करनी सेकंड करनी चाहिए क्योंकि कालू इतराना और जयसूर्या बहुत मार रहा था लेकिन एक अकेला सिद्धू खड़ा था उस दिन और एक ही बार बोला इसने कहा नहीं पहले बैटिंग करो हमने नहीं मानी इसलिए आज भुगत रहे। शरीफ भाजी बहुत अच्छी तारीफ करते हैं और आप लोग देखते ही रहते हैं मेरी तारीफ एक है मुझे जो मैं भूलता नहीं कभी। हमारा टेस्ट मैच चल रहा था यहाँ पे बम्बई में मैं तो खेलता नहीं था ट्वेल्थ में नहीं होता था टेस्ट मैच में और रूम पार्टनर हम रह चुके थे 4-6 महीने साथ और तो कोई रहता नहीं था वैसे तो मेरे को ही रहना पड़ता। वो स्टोरी भी करेक्ट मतलब सच्ची स्टोरी है मैं सच्ची सुनाऊंगा सारी। तो मैच मैं आया सुबह 5 बजे उससे नहीं पहले स्टोरी से पहले कि रूम में हम पार्टनर बने तो कहते बच्चू इस रूम के अंदर जो होगा ना कभी बाहर नहीं जाएगी ये बात। अच्छी बात भी है। मैं कहा यार इससे अच्छा रूम पार्टनर ही नहीं मिल सकता लाइफ में। को लेगा आज ये मरवाएगा गुरु मैं तारीफ कर रहा हूँ आपकी। तो फिर कहते कुछ होगा बाहर मैं आता था रोज 4-5-6 बजे ये सुबह ध्यान में लगे होते थे तो दोनों को सूट करता था ना ये मिस करते थे ना मैं मिस करता था। मैच में गए मैच हुआ लंच टाइम के बाद फील्डिंग करने जाना पड़ा ये तो जाते नहीं थे। मैंने जाके कैच पकड़ा टी टाइम पे बैठे कपिल पाजी इधर और ये इधर कहने पाजी ऐ तुसी जब मुंडा फाड़ के लाया सॉरी हाँ जब मुंडा फाड़ के लाया ना हीरा है हीरा कहना किस तरह कहना सवेरे 6 बजे आया लेकिन फील्डिंग देखो में जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता उस समय श्रीकांत सर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन थे और वो भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ जोरदार तालियां बनती हैं। सर आपने क्रिकेट ज्वाइन करने से पहले आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की डिग्री भी ली थी तो यही कारण था कि आपकी बैटिंग में काफी करंट रहता था मतलब। क्योंकि आपसे पहले सर जितने भी प्लेयर मैंने देखे हैं वो हमेशा टुक टुक करते डिफेंसिव खेलते थे आपने आते ही ठोको रोको ये तो सिद्धू भाई ने ठोको ठोको भी बोलना शुरू किया आपने ठोको फील्ड पे करना शुरू कर दिया था। मेरा क्या है क्रिकेट भी कॉमेडी हो गया मेरे को इसीलिए ऐसे मैं कभी मजा के लिए खेला मैं कभी सुनता मैं कभी सोता नहीं इंडिया के लिए खेलना चाहिए कैप्टन बनना चाहिए वो करना चाहिए जाके एंजॉय करने के लिए आया इसलिए आज भी आपका शो के लिए आया ना मैं सिर्फ एंजॉय करने के लिए आया। उस दिन 83 में कपिल देव मेरा कैप्टन है था आज कपिल शर्मा। अरे एक सिंस ही स्टार्टेड अबाउट 1983 आई हैव टू टेल यू दिस हिंदी 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 में मेरा हिंदी जैसे है कपिल देव का इंग्लिश है वैसे ही है। कपिल भाजी माफ करो जस्ट जोकिंग है कपिल भाजी ठीक है भाई हिंदी का हाइट ऑफ आपका परफॉर्मेंस जो है ना जो मैं आज तक नहीं भूला हूं जो मुझे सबसे ऊपर लगता है वो है आपका हिंदी का वो गाना हम बने कितना बार गाने आ रहे हैं कितना बार
पॉपुलर डिमांड एक दूजे के लिए गाना बोल रहे नहीं नहीं एक दूजे के लिए गाना बोल दो एक बार गा दो अगर ना सारे हिल गए ना यू विल रॉक द शो आई एम टेलिंग यू एक तो बनता है ये गाना सिद्धू इतना बार बोला मैं इतना बार सॉन्ग सिंग किया गाया गाया क्या बोलो नहीं हो सकता क्या तुमको ठीक है आप एक दूसरे के लिए अपने सिद्धू पाजी के लिए गाया ना अभी सर आपकी फैंस सुनना चाहती हैं फीमेल फैंस मेरे जीवन साथी प्यार किया जा जवानी दीवानी खूबसूरत सिद्धि पड़ोसन सत्यम शिवम सुंदरम ब्रिंडर वो इंग्लिश है ना मेरे जीवन साथी प्यार किया जा जवानी दीवानी खूबसूरत सिद्धि पड़ोसन सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम प्यार के चाल के चलते चलते हमको कुछ नहीं मालूम है ठीक है भाई टू गुड अच्छा भाजी अजय सर ऐसे बैट्समैन है कि जब ये इन्होंने तकरीबन मेरे ख्याल से एक से लेके आठ नंबर तक हर जगह पे आपने हर नंबर पे आपने बैटिंग की है जब ये बैटिंग करने जाते थे इनको भेजते थे तो तकरीबन मैच फंसा हुआ रहता था जैसे सपोज 25 बॉल में 45 या 50 रन चाहिए तो आप कर भी लेते थे पूरे तो ये आप मजबूरी में करते थे या आपको मजा आता था ये सब करने में कि मुझे कम मतलब होता था कि मिनिमम इनपुट में ज्यादा आउटपुट कोई और होता नहीं था उसी जगह में मुझे खेलने को मिलता था तो मजबूरी मेरी ये थी कि आठ हो सात हो छह हो पांच हो एक हो शहरी पाजी कभी कभी जब नहीं आते थे तब ओपन करने को मिलती थी शहरी पाजी का क्या प्रॉब्लम है ना तीन मैचेस 50-50-50 फोर्थ मैच श्योर रेस्ट वो मैच रेस्ट उस टाइम रेस्ट टाइम में जड़े जगह चांस मिलेगा ऐसे मेरा नाम तो स्टेप नहीं रखा हुआ था ऐसे क्यों स्टेप नहीं होती है जो टायर फेल हो जाए वहां लगा दो तो मतलब आपने एक से लेकर आठवें नंबर तक तकरीबन मेरे ख्याल से नौवें नंबर पे नहीं कभी आप खेले आठ से शुरू किया ओपनिंग भी की आपने आप कैप्टन भी रहे काफी काम किया आपने मैं बताता हूँ तो आप फ्लेक्सिबल थे हर जगह फिट हो जाते थे वैसे एक्चुअली मैं बताता हूँ जी नंबर ओपन पे बैटिंग करनी सबसे आसान किसी की एवरेज 50 है किसी की 55 है एक्सक्यूज मी सबसे इन वन डे क्रिकेट लिसन मैं सही बोल रहा हूँ यू कैन कॉन्ट्रडिक्ट मी वन डे क्रिकेट में ओपन करनी सबसे आसान है आपको ज्यादा ओवर मिलते हैं सबसे मुश्किल काम है नंबर छह पे आके लास्ट चार ओवरों में 40 करने और अजय जडेजा ने वही किया है वकार यूनुस को वर्ल्ड कप 96 में चार ओवर में 42 रन मारे अरे वाह ठीक है तू कुछ भी बोल आज क्योंकि आज महाराज है ना इसीलिए महाराज है तो महाराज उधर बैठ रहे हम लोग क्या बोल रहे बड़े भाई प्रजा हम लोग प्रजा इधर बैठ रहे श्रीकांत सर जब आपने अपना डेब्यू किया वनडे में अच्छे स्कोर बनाए उसके दो दिन बाद आपने टेस्ट में भी अपना डेब्यू कर लिया था तो वहां पे भी आप सेम ही मतलब एग्रेसिव रहे उसमें भी कि आपको लगा कि नहीं यार ये टेस्ट मैच इसको धीरे धीरे खेलूं बट वहां पे भी मारदाड़ करनी शुरू कर दी थी आपने आउट हो गए थे पहले टेस्ट मैच पूछो इनसे कैसे पहले टेस्ट मैच में कैसे हो गया था पूछो उनसे क्या हुआ था क्या हुआ हो गया था आप बोला ना क्या धीरे धीरे खेल के ना मैं धीरे धीरे ही खेला फास्ट फास्ट भी खेला मैं क्या किया पहला टेस्ट मैच है डेब्यू है मेरा स्टांस ले लिया अच्छा खेल रहा है 13 में खेल रहा है स्टांस तो जहां तक मुझे याद आप लेते नहीं आपका बैट हवा में रहता था किधर बॉल रहा है सही नहीं नहीं आप ऐसे रहते थे शायद ज्यादातर नहीं मुझे आप जैसा बात कर रहे हैं मेरे को क्रिकेट कुछ भी कुछ नहीं मालूम है ऐसा बात कर रहे थे भाई साहब मैं थोड़ा इंडिया कैप्टन भी है मालूम है आई नो सर तेरह में बहुत अच्छा खेल रहा है तेरह में बहुत अच्छा खेल रहा है तेरह में बहुत अच्छा खेल रहा है अच्छा। तेरह में हाँ। सिर्फ तेरह में बहुत अच्छा खेल रहा है वो हाँ। जाके एक शॉट गली के जाके वो जॉन एम्बरी मैं हमारा टिपिकल थे ना मैं सोचा ये क्रीज है ना मैं आई जाएगा बॉम्बे मुंबई में टेस्ट मैच है बॉम्बे में टेस्ट मैच जाके ऐसा कर अरे मैं सोचा ये एम्बरी विल थ्रो द बॉल टू कवर्स टू मिड ऑफ टू बॉलर
ये जाके क्या किया, ऐसा टर्न करके मार दिया सब में। मैं क्रीज के बाहर था, रन आउट हो गया। बाद में अंदर ड्रेसिंग रूम गया, देन यू नो व्हाट हैपेंड इन द ड्रेसिंग रूम, डम 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 डम। एंड उधर कमेंट्री में लेट नवाब पटौड़ी बोल रहे, श्रीकांत लुक लाइक वॉकिंग इन द, ही इज टेकिंग अ वॉक इन द जुहू बीच, ऐसा बोला।